चलिए नमस्कार, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और एक बड़ा फैसला लिए हैं, बताएंगे आज के इस वीडियो पर। साथ ही किसान भाइयों के लिए भी काफी अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है, भुगतान को लेकर, पेमेंट को लेकर। गन्ना उत्पादक जो किसान भाई हैं उनके पेमेंट जारी किया गया। साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के किसान भाइयों के लिए भी अच्छी खबर है। तो भाई पूरी वीडियो पर बने रहिए। आप लोगों से एक ही गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है उसको क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जोर से करके रखिएगा। ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हम लगातार पहुंचाते रहते हैं। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के विभिन्न शाला भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। मुख्य सचिव को सभी शालाओं में निर्विघ्न पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए वर्षा ऋतु समाप्त होते ही शाला भवनों की मरम्मत का कार्य तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। और हमारे गन्ना उत्पादक किसानों के लिए भी काफी अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हां, तैयारी सीजन के पहले उनके बैंक अकाउंट पर पैसे आ रहे हैं। कबीरधाम जिले की खबर हम लोग के साथ शेयर करना चाहेंगे। कबीरधाम जिले के पंडरिया में संचालित लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाने में तिहारी सीजन में गन्ना उत्पादक किसानों को बड़ी राहत दी है। जी हां, कारखाना प्रबंधन ने रविवार को अपने शेयर धारा के किसानों को बकाया राशि में 10.43 करोड़ रुपए का भुगतान जारी कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं दैनिक भास्कर की यह आर्टिकल है, हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना पंडरिया प्रबंध संचालक नरेश पटेल ने यह मीडिया को जानकारी दी है कि कारखाने में 17 नवम्बर 2021 से 12 अप्रैल 2022 तक 7,200 किसानों से 2.95 लाख मीट्रिक टन गन्ने की खरीदी की गई थी। खरीदी की गई गन्ने का कुल मूल्य 81 करोड़ हुआ था, जिसका भुगतान किसानों को किया जाना था। पूर्व में 56 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया था। रविवार को 10.43 करोड़ रुपए जारी किया गया। बताया गया कि इस तरह 4 मार्च 2022 तक की स्थिति में खरीदे गए गन्ने का 66 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है। 6 से 15 करोड़ रुपये जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। तो चले भाई, इस तरह से अच्छी खबर हमारे गन्ना उत्पादक किसानों को, बहुत सारे कॉमेंट भी कर रहे थे पेमेंट नहीं आ रहे करके। तो ठीक है, कबीरधाम के किसानों के लिए अच्छी खबर है कि जो पेमेंट है उनके खाते में जारी किया गया है। और हमारे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के किसान भाइयों के लिए भी अच्छी खबर है भाई, कि जो पंजीयन है आप करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक पंजीयन नहीं करवाए हैं, नए किसान हैं, तो आप 31 अक्टूबर तक आप पंजीयन करा सकते हैं। अगर आप पुराने किसान हैं तो आपको करवाने की जरूरत नहीं है पंजीयन, जो नए किसान हैं पंजीयन करवाएंगे। हाँ, अगर आप खेती रकबा या फिर कोई अन्य चीज़ों में संशोधन करवाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरना होगा। साथ ही इस साल जो कि धान की MSP बढ़ा दिया गया है, काफ़ी सारी वीडियो पर भी हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ दे रखी है कि जो 100 रुपये की MSP बढ़ने से अब छत्तीसगढ़ के किसानों को 2640 रुपये प्रति क्विंटल और 2660 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य मिलने वाली है। साथ ही इस संबंधित जो भी खबरें अपडेट आएगा लगातार इस चैनल के माध्यम से आगे भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नया महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।